हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ डॉक्टर सलमान नसीर। इससे पहले वाली क्लिप के अंदर मैंने आप लोगों को जो बर्न का जो केस होता है यानी जले हुआ अगर कोई पेशेंट है तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है या उसके फर्स्ट एड के ताल्लुक से बताया था, और जो जल जाता है पेशेंट उसके जो डिग्रीज होती है, जो अलग अलग दर्जात होते हैं यानी किस टाइप का वो जला हुआ है, उसको हम लोग प्राइमरी लेवल पर ठीक कर सकते हैं या फिर उसको अर्जेंटली उसको हाई सेंटर भेजना है या बर्न सेंटर पर भेजना है, उसको कैसे मैनेज करना है, मैंने टोटल चीज़ें आपको इससे पहले वाली क्लिप के अंदर बताया था। तो अब मुझको आपको बताने का एक मकसद ये है कि जो एक ड्रॉ किया मैंने एक इमेज को यहाँ पर रूल ऑफ नाइन के जरिए, नाम जिसको हम कहते हैं, यानी एक गेज अंदाज़ा लगाया जाता है जो हमारी पूरी बॉडी होती है वो बॉडी को टोटल बॉडी सरफेस कहा जाता है। तो उसके अंदर असेस किया जाता है कि जो बॉडी है वो कितने परसेंट अफेक्ट हो चुकी है, क्योंकि उसके ज़रिए से हम ये कहते हैं कि पेशेंट जो है इतने परसेंट जल चुका है। उसमें क्या होता है, 25% के अगर ऊपर होता है तो थोड़ा सा यानी कि सीरियसली या रिस्की मामला हो जाता है, 25% से अगर वो नीचे है तो वो मामूली जो है तो पकड़ा जाता है, समझा जाता है। तो मैं आपको आज एक आसान अंदाज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है, बड़ों की और जेनेटिक और पेडेट्रिक तो सबकी बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बॉडी के अंदर डिफरेंस उनके थिकनेस के मुताबिक होता है। तो ऐसे वक्त में जो भी पेशेंट हमको दिखाई दिया है तो उसको क्लिनिकल एरिया के अंदर जो मैनेजमेंट किया जाता है तो उसके डिग्री के हिसाब से मैनेजमेंट किया जाता है, और साथ ही इस बात का ख्याल रखा जाता है जो कि मैंने आपको बताया था, ABC यानी एयरवे, ब्रीथिंग और उसका सर्कुलेशन। तो ये सब चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो मैं चलो आपको बता देता हूँ कि रूल ऑफ नाइन क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो आप ड्रॉ देख रहे हैं तो इसके अंदर जो परसेंट है, जैसे ये 4.5% और ये 4.5%, यानी कि हेड का ये हिस्सा का हेड का ये परसेंट है। तो ये जो 4.5% है ये एंटीरियरली है और 4.5% पोस्टरली है, यानी दोनों को अगर मिला लिया जाए एंटीरियरली और पोस्टरली तो दोनों का मिलकर बनता है 9%। ओके, तो ये 9% इस एरिया का हो गया। अब साथ ही आर्म्स जो है, अपर आर्म्स जो है, तो इसका 9% माना जाता है, यानी दोनों का अगर मिला जाए तो 18%। और साथ ही थोरैक्स और अब्डोमेन, एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों का मिलाकर 18 होता है, थोरैक्स का और अब्डोमेन का मिलाए अगर एंटीरियर और पोस्टीरियर तो दोनों का मिलकर होता है 18%, यानी कि 18 और 18 दोनों का एंटीरियर और पोस्टीरियर। और ये जो है पेरिनियल या फिर जेनिटल ऑर्गन्स के पास का जो हिस्सा है तो ये हिस्सा 1% माना जाता है, और साथ ही लोअर लिम जो है तो ये 18% माना जाता है, वन साइड, और सेकंड साइड 18%। तो इस तरह जो है ये अगर मान लिया जाए तो 9 × 7 से कहीं ना कहीं इसका जो है तो रिलेशन होता है, जैसे कि 4.5 पकड़े तो 9 होता है, ये 9% है, ये 18 जो है वो भी 9 मिलकर बना है। तो इस तरह इसका जो टोटल है वो 100% तक माना जाता है। तो उसके बेस के ऊपर हमको ये समझा जाता है कि इतने परसेंट पेशेंट या वो जो जला है वो इंसान इतने परसेंट जला है या इतने टक्के वो जल चुका है, हम इस तरह बोलते हैं। फिर उसके हिसाब से उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, उस हिसाब से उसका जो तो मैनेजमेंट किया जाता है। इसके ऊपर जो पेशेंट, अगर मान लो कि अगर उसका ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है पुरानी, जैसे कि डायबिटिक अगर पेशेंट है या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड कोई पेशेंट है या छोटा बच्चा है, तो ऐसे लोगों का इस तरह की प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो जाना एक और मुसीबत बन जाता है, क्योंकि ऑलरेडी जो है तो वो पहले से किसी ना किसी क्रोनिक डिजीज में मुब्तला थे, प्रॉब्लम में थे। अब हम जानते हैं डायबिटिक के अंदर के छोटा से छोटा जख्म भी जो है तो अच्छे से वुंड नहीं होता, वुंड जो है तो हीलिंग नहीं हो पाती प्रॉपर उसकी, तो ऐसे वक्त में उनका बर्न हो जाना किसी हिस्से का ये बहुत बड़ा मुसीबत बन जाती है। तो उसमें डॉक्टर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है और ऐसे केसेस जो है तो थोड़े से क्रिटिकल बन जाते हैं। तो ऐसे में डायबिटिक पेशेंट है, उसके अलावा सीवियर से रिलेटेड कोई पेशेंट है, CKD से रिलेटेड कोई पेशेंट है, क्रोनिक रिलेटेड कोई पेशेंट है, तो ऐसे पेशेंट को तकलीफ हो जाती है और उनका जो मैनेजमेंट है वो बहुत अलग यानी कि क्रिटिकल हो जाता है। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको जो है तो इससे पहले क्लिप के अंदर बहुत सारी चीज़ें बताया था, उसके जो तो डिग्रीज बताया था और उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताया था, फर्स्ट एड के तौर पे बताया था, हायर सेंटर पर वो किस तरह करते हैं उसको भी एक छोटा सा एक अंदाज बताया था। अब नेक्स्ट क्लिप में मैं आपको जो है तो पैथोफिजियोलॉजी बताऊंगा, यानी जो बर्न केस होता है उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, उसके जो टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं वो बॉडी पर किस तरह असर करते हैं। तो इस तरह से जो है तो हमारी नेक्स्ट सीरीज होगी,
फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो इंटेंसिव केयर यूनिट में यानी आईसीयू में ऐसे पेशेंट को साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाता है वो भी बताऊंगा। तो आप मेरे इस सीरीज के साथ यानी कि हमारे चैनल के साथ लगे रहें। हमारे चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।